नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज में। मैं हूं रोहित। आईपीएल 2024 के 52वें मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात टाइटल को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही अंक तालिका में वह 7वें नंबर पर पहुंच गए, यानी कि आरसीबी अभी भी इस टूर्नामेंट में जिंदा है। एक समय आरसीबी निचले पायदान पर थी, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद आरसीबी इस बार भी अपने फ्रेंड्स के दिलों को तोड़ते हुए नजर आने वाली है, लेकिन पिछले 3 मुकाबले जीतकर आरसीबी ने जता दिया कि हम भी प्रबल दावेदार है 2024 के आईपीएल खिताब के लिए। अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात लगातार अपने 2 मुकाबले हार चुकी है। इस हार के साथ ही उसकी उम्मीदें लगातार कम होती हुई भी नजर आ रही है। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेक्सी ने 23 गेंदों में 62 रन की आतिशी पारी खेली और विराट कोहली ने भी 42 रन की अहम पारी खेली, जिसकी बदौलत आरसीबी ने गुजरात टाइटल को हरा दिया। अब गुजरात टाइटल के बचे हुए मुकाबले उनको जीतना जरूरी है, ताकि वह सेमीफाइनल की रेस में बनी रह सके। जबकि अगर हम बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी को भी अपने बचे हुए 3 मुकाबले जीतना जरूरी है, क्योंकि आने वाला मुकाबला उसका पंजाब से है और पंजाब भी इस समय मजबूती के साथ जो है आईपीएल में खेलती हुई नजर आ रही है। आज के मुकाबले की अगर हम बात करें, तो आज रविवार का दिन बड़ा ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज जो है 2 मुकाबले खेले जाने हैं। चेन्नई और पंजाब के बीच पहला मुकाबला खेला जाना है और दूसरा मुकाबला लखनऊ और कोलकाता के बीच खेला जाना है। कोलकाता इस समय दूसरे पायदान पर है अपने 14 अंकों के साथ, जबकि चेन्नई भी 5वें पायदान पर है अपने 10 अंकों के साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज़।